This is your technical maker channel and we are back with the new video, and in this video I am going to restore a speaker, a bluetooth speaker. ठीक है, तो ये speaker मेरे एक subscriber का है. ठीक है, मेरे एक friend है, उसी का ये speaker है. उसके घर पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है. ठीक है, ये पानी में भी गिर चुका है. ठीक है, पानी में गिर चुका है, आप देख सकते हो इसके पूरे में जंग लगी हुई है. ठीक है, इसका जो ये कवर है इस पर जंग लगी हुई है, तो उसे हम रिस्टोर करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें ख़राब होगी उसे फिक्स करेंगे नई चीज़ों से. ठीक है, इसमें जो ख़राब होगा उसे नया लगाएंगे हम और इसे बढ़िया रिस्टोर करेंगे, फिर अपने सब्सक्राइबर को हम देंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसे ओपन करते हैं. ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दें, कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो एट दी एंड कमेंट कर देना वीडियो पर. ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं. सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा पुराना ये स्पीकर है इसलिए टाइम लेगा खुलने में, हम खोलेंगे आराम से. तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से ये जंग खाया हुआ है. ठीक है, इसमें बहुत बुरी तरीके से जंग लगी हुई है. इसे ओपन करते हैं. गाइस इसके नट भी नहीं खुल रहे हैं आसानी से, जो स्क्रू है वो भी जाम हो चुके हैं. सबसे पहले पूरी तरीके से इसे हम ओपन करेंगे बढ़िया तरीके से, फिर देखेंगे, फिर इसकी सफाई करेंगे पेट्रोल से. अगर पेट्रोल से आप इसके मदरबोर्ड या मॉड्यूल को साफ करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा. तो ये वीडियो फास्ट मोशन में चलने वाली है. ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना. ठीक है, सो गाइस फाइनली हमने अपने स्पीकर को ओपन कर लिया है. तो इसकी आप बैटरी देख सकते हो. ठीक है, और इसका ये मॉड्यूल है, इसकी मॉड्यूल को हम निकालते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से, आराम से निकालना है. तो इसका मॉड्यूल है, इसकी बैटरी को भी निकाल देते हैं. तो गाइस हमने इसकी बैटरी को भी निकाल लिया है. सबसे पहले तो हम ये जो जंग खाया हुआ है इसका मॉड्यूल देख सकते हो कितनी ज़्यादा जंग लगी हुई है. ठीक है, इसको हम क्लीन करेंगे बढ़िया तरीके से. ओके, क्लीन करने के लिए हमें पेट्रोल का यूज़ करना है, किसी और ऑयल का यूज़ नहीं करना है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस बैटरी के कवर को हटाऊँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक नोकिया की बैटरी. ठीक है, है ना, मतलब नोकिया की बैटरी इसमें इनबिल्ड है. ठीक है, नोकिया की बैटरी जो स्पीकर खोल लिया था. ठीक है, तो अब हम इसके मॉड्यूल को चेक करते हैं, देखते हैं ये चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी बैटरी वर्क कर रही है या नहीं, इसकी बैटरी में चार्ज है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज करके देखते हैं. सो गाइस आप देख सकते हो इसमें रेड लाइट जल रही है. ठीक है, मतलब जो चार्जर की लाइट है इंडिकेट जो करता है कि चार्ज हो रहा है वो लाइट ऑन हो चुकी है यहाँ पे रेड कलर की. ठीक है, तो इसे अब ऑन करके देखते हैं. तो गाइस ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होती तो यहाँ पे ब्लू लाइट जलती. ठीक है, जो कि नहीं जल रही है इसके राइट साइड में रेड वाली के. ठीक है, तो आई थिंक इसकी बैटरी में दिक्कत होगा कुछ, तो इसकी बैटरी को चेक करते हैं एक बार. सो गाइस इसकी बैटरी को चेक करते हैं. मेरे पे एक 5.3 वोल्टेज का एक बल्ब है. ठीक है, तो इसे चेक करते हैं. सो गाइस ये ऑन नहीं हो रहा है बल्ब, आप देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ, इस साइड से भी लगाऊँ तो भी नहीं हो रहा है. तो मतलब इसकी बैटरी में दिक्कत है, इसकी बैटरी हमें चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है,
और इसका मॉड्यूल फिर देखते हैं वर्क करता है या नहीं। अगर बैटरी चेंज करने के बाद इसका मॉड्यूल वर्क नहीं करता है तो हम मॉड्यूल को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। मॉड्यूल भी आसानी से चेंज हो जाएगा, मेरे पे पड़ा हुआ है एक मॉड्यूल पुराना, उसे ही मैं फिट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी बैटरी का जो कनेक्टर है उसे निकाल देता हूँ। उसके स्पीकर के कनेक्टर को भी निकाल देता हूँ। ओके तो गाइस अब मैं इसे क्लीन कर, गाइस इसके मॉड्यूल को क्लीन करते हैं। मैं पेट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ, किसी और ऑयल का यूज़ ना करें। जैसे सरसों का ऑयल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे मॉड्यूल्स के लिए, तो उसे बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। सरसों का ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें, पेट्रोल का यूज़ करें सबसे बढ़िया ऑयल, या थिनर का यूज़ करें। तो 2 मिनट हम गीला छोड़ देंगे इसे। सो गाइस अब इसे हम क्लीन करते हैं ब्रश से, ठीक है, ठीक तरीके से, ताकि हमारा मॉड्यूल बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो वीडियो फास्ट मोशन में चलेगी। तो गाइस थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली ये सूख चुका है, ड्राई हो चुका है हमारा मॉड्यूल, ठीक है। पेट्रोल से एकदम न्यू हो चुका है, चमक रहा है एकदम, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो उसकी बैटरी चेंज करेंगे, जो ये वाली बैटरी है नोकिया की, हम इसकी जगह कोई और बैटरी लगाएंगे, क्योंकि ये ख़राब है बिल्कुल तरीके से, डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये पानी में गिरा हुआ है इसलिए ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो चेंज करते हैं बैटरी को। सो गाइस इस बैटरी को हम चेंज करेंगे। तो आप इसकी जो बॉक्स है इसमें देख सकते हो, इसमें हम सेल लगाएंगे, जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ, ठीक है, सेल, ठीक है, बैटरी वाले सेल जो पावर बैंक में निकलते हैं वो सेल हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें उसी का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे उसे बैटरी को जुगाड़ करके यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। तो हम बढ़िया वाला सेल लगाएंगे, पावरफुल, ठीक है। सो गाइस इसके लिए हम एक बैटरी देखते हैं। तो मेरे पे कुछ बैटरी पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो कि सेल है, बैटरी सेल। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो सेल है 3.7 वोल्टेज का, वो मैं लगाने वाला हूँ मॉड्यूल में, ठीक है। ये हमारा सेल है, बढ़िया सेल है, ठीक है, 3500 mAh का ये सेल है। पर इसमें लिखा नहीं है, पर जो पावर बैंक था उसमें लिखा हुआ था कि पर बैटरी का जो mAh है वो 3500 mAh है, ठीक है। तो इस बैटरी को हम इससे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, नोकिया की बैटरी है। तो डिसोल्ड करते हैं सबसे पहले इधर से हम इसे। सो गाइस हमने बैटरी डिसोल्ड कर दी है, अब इसमें हम सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइड है ये प्लस का होता है, और ये वाला जो साइड है वो माइनस का होता है। तो सोल्डिंग करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको घिस ले थोड़ा, ठीक है, ताकि ग्रिप बन जाए और सोल्डिंग अच्छे से हो। सो गाइस हमने घिस लिया है, ये करने से जो सोल्डिंग है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और आसानी से इसके वायर डिसोल्ड नहीं होते। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है। सो गाइस हमारी बैटरी की सोल्डिंग डन हो चुकी है, बहुत ही मजबूत तरीके से सोल्ड हुई है, ठीक है। सो गाइस अब हम अपने स्पीकर्स को देखते हैं। इसके 2 स्पीकर्स हैं जिनकी कंडीशन मेरे को बढ़िया लग रही है, ठीक है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है स्पीकर्स को, पर मेरे पास पड़े हुए हैं सेम साइज़ के सेम स्पीकर, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक स्पीकर है, इसलिए मैं इन्हें चेंज नहीं करूँगा, बस थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। और उसके बाद देखते हैं हमारा जो स्पीकर है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं करेगा तो हम चेंजेस करेंगे इसके अंदर।
बढ़िया कर देंगे। सो गाइस, हमने स्पीकर क्लीन कर दिए हैं, मॉड्यूल भी क्लीन कर दिया है, बैटरी में सोल्डिंग भी कर दी है, ठीक है। सो गाइस, अब हमें जो क्लीन करना है वो है इसका बॉडी। अब हमें इसकी बॉडी क्लीन करनी है स्पीकर की। तो सबसे पहले हम बॉडी में क्लीन करेंगे इसका जो अपर पार्ट है स्टील का, इसको क्लीन करते हैं। पेट्रोल से ही हम क्लीन करेंगे। तो गाइस, जितना क्लीन हो सकता था मैंने उतना क्लीन कर दिया है। अब इसके हम इस वाले पार्ट को क्लीन करते हैं। रेडिएटर को भी हम साफ करते हैं, इसे रेडिएटर बोलते हैं, ठीक है, जो बेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है और क्रिएट करता है बेस को अच्छी तरीके से, और धम धम करके आवाज़ देने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो जो इसका मेन बॉक्स है गाइस, इसको हम पानी से साफ करेंगे, ठीक है। इसमें पेट्रोल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा, और इसकी जो इसमें एक कवर होता है, जो भी इसकी लेयर होती है वो निकल जाती है पेट्रोल से, तो इसे हम पानी से साफ करेंगे, पानी और कपड़े से। सो गाइस, गीला कपड़ा हमें मिल चुका है, ठीक है, हमने पानी डाल लिया है कपड़े में, और इसे अब अच्छे से क्लीन करते हैं हम। सो गाइस, हमने सारे पार्ट्स क्लीन कर दिए हैं अपने स्पीकर्स के, ठीक है। तो अब हम अपने मॉड्यूल, बैटरी और स्पीकर को टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं, ठीक है। इसे साइड करते हैं हम, अपने मॉड्यूल, बैटरी और स्पीकर्स को लाते हैं और अब चेक करते हैं मॉड्यूल हमारा। अगर मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा तो हम दूसरा डालेंगे इसमें, ठीक है, इसको हटा देंगे। सो गाइस, हम मॉड्यूल को चेक करते हैं, ये हमारी बैटरी है, इसको हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं ऑन हो रहा है नहीं। सो गाइस, देख सकते हो ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा मॉड्यूल क्लीन करने के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो हम स्पीकर लगा के देखते हैं और देखते हैं कि साउंड आ रहा है ब्लूटूथ का या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, पहले ऑफ करते हैं हम इसे, और हम अपने स्पीकर्स को इसमें कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, हमने स्पीकर भी कनेक्ट कर दिए हैं, अब ऑन करते हैं और देखते हैं साउंड आ रहा है नहीं। दोबारा ऑन करके ऑफ करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, उसके सारे पार्ट कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं, बहुत ही इजीली वर्क कर रहे हैं, एकदम फ्लो में वर्क कर रहे हैं। तो हमने अपने स्पीकर को एकदम रिस्टोर कर दिया है, अपग्रेड नहीं किया है, बैटरी को बस चेंज किया है, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा स्पीकर। तो अब हम इसकी पैकिंग करेंगे और वीडियो फास्ट मोशन में चलेंगी, ठीक है, वीडियो फास्ट मोशन में चलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ओके। तो मैं बैटरी को निकाल देता हूँ आराम से, ताकि तार ना टूट जाए, ओके एंड ओके ओके। तो गाइस, अब इसके जो बॉक्स वगैरह है वो हम उठाते हैं।
फाइनली हमने अपने स्पीकर को पैक कर दिया है, ठीक है, जो कि रिवेरा कंपनी का ये स्पीकर है। इसका बूम, ये मॉडल नंबर है, ठीक है। तो इसे अब हम टेस्ट करेंगे। मैंने अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर दिया है, जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी से मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसे ऑन करते हैं। सबसे पहले हम पीछे से, सो गाइस ऑन हो चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। मैंने ब्लूटूथ ऑन रखा था मोबाइल का, इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो चुका है। तो अब साउंड ऑन करते हैं इसका। सो गाइस साउंड भी ऑन कर दिया है। तो गाइस मैं अब म्यूजिक को स्टॉप कर देता हूं। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, एकदम परफेक्ट हो चुका है स्पीकर हमारा, ठीक है। साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर न्यू हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो के लिए, ठीक है। सो गाइस पूरी तरीके से ऑन भी है, यहाँ पर ब्लू लाइट जल रही है, चार्जिंग भी हो रहा है, ये मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। और इसका मोड बटन, जो सारे बटन है वो कीज है। सो गाइस ये रेडियो मोड है, ये ब्लूटूथ मोड है। तो कनेक्ट फिर से हो चुका है, तो एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा स्पीकर। तो मैं इसके ऊपर के कवर को दबा देता हूं और इसे ऑफ कर देता हूं। तो गाइस हमने इसे ऑफ कर दिया है। सो गाइस ये इसका कवर है, ये लगा देते हैं हम। सो गाइस फाइनली हमने इसे अच्छी तरीके से पैक कर दिया है, ये कंप्लीट हो चुकी है वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हर हफ्ते में दो वीडियो कम से कम मैं लाता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।